हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम एंज बीन। आज हम बनाएंगे बच्चों की फीडिंग बोतल का कवर। इसके लिए हमें कुछ इस तरह का कॉटन का कपड़ा चाहिए। इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अब इस पर हम अपनी फीडिंग बोतल को रख के देखेंगे। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। अब ये जो नीचे की लंबाई है, इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल बोतल के बराबर कपड़े को कटिंग करना है। इस तरह से हम इस कपड़े को कटिंग कर लेंगे। अब ये हमने राउंड सर्कल कट किया है, जो बोतल के निचले हिस्से के बराबर है। इसको अच्छे से राउंड कर लेंगे। इस तरह से हमें राउंड शेप का कपड़ा चाहिए, और एक इस तरह से कपड़ा चाहिए, और एक हमें लेस चाहिए। ये लेस मैंने बना के रख रखी है। अब हम यहाँ से कपड़े की स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से हम यहाँ से कपड़े की स्टिचिंग कर लेंगे। हम इस पर डबल स्टिचिंग करेंगे ताकि ये अच्छे से मजबूती ले ले। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको दोनों हिस्सों को दोनों तरफ से इस तरह से पकड़कर हम इस पर इस तरह से 1.5 इंच तक की लंबाई पर दोनों तरफ से स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ से लेकर 1.5 इंच तक की आगे बढ़कर हम अपनी स्टिचिंग को इस तरह मोड़ लेंगे। आगे बढ़ाकर फिर वापस से मोड़ लेंगे। इस तरह से हमने इसको स्टिचिंग कर ली है। अब ये जो बीच में हमारी सिलाई है, इसको यहाँ से पकड़कर इसकी बीचों बीच की सिलाई को हम खोल लेंगे। इस तरह से यहाँ से हम जहाँ तक हमने स्टिचिंग की है, वहाँ तक इसको खोल देंगे। यहाँ पर हम इस लेस को रखकर कपड़े को फोल्ड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम स्टिचिंग कर लेंगे। पूरे इस कपड़े पर लास्ट तक स्टिचिंग कर लेंगे। ये इस तरह से हमारी लेस इसके अंदर भी चली गई और स्टिचिंग भी हो गई। अब ये जो राउंड शेप है, इसको हम नीचे की तरफ से कपड़े पर सल भरते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। हल्की सी सिलाई करके छोटे छोटे से सल हम पूरे राउंड शेप में भर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ से पकड़कर हल्के हल्के सल भरते जाएंगे। इस तरह हम पूरे राउंड शेप में सल भर लेंगे। सल भरने के बाद ये फीडिंग कवर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसको हम सीधा करके देखेंगे। मैं आपको इसमें फीडिंग बोतल को डालकर दिखाती हूँ। इस तरह से हम इसको खींच कर अच्छे से बांध लेंगे। इस तरह ये बोतल का कवर बनकर तैयार है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है ये होटल कवर बनाने का। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों से जुड़ी हुई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं इसके वीडियोस को देखना ना भूलें। थैंक यू।